the time, but I take few seconds to subscribe our channel and click the bell icon button so you will get all notification of our latest update. Cause you've been waiting on the next thing. अभी हम और सेकंड स्टेप बताने जा रहे हैं आपको इस बिजनेस की. एंड फर्स्ट स्टेप में आपको तो मैं बता चुका हूँ कि कटिंग सोल लेके इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते. फर्स्ट स्टेप इसीलिए बताया गया था कि एंड एक न्यू पर्सन के लिए, एक अच्छी एक्सपीरियंस के लिए स्टेप आपको बताया गया है. एंड अभी फर्स्ट स्टेप में जो सक्सेस हुए है और उनके लिए हम अभी सेकेंड स्टेप लेके आ रहे हैं. और ये सेकेंड स्टेप में कैसी बिजनेस को और सेकेंड स्टेप में हमें डील करना है एंड ये सेकेंड स्टेप के लिए हमको बिजनेस में क्या क्या चाहिए एंड ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ. एंड सर सेकेंड स्टेप में हमको बिजनेस में ये चाहिए कि मशीनरी चाहिए. फर्स्ट कटिंग करने वाली मशीनरी चाहिए. ये मशीनरी एंड हमको टोटली मशीनरी डिपेंड करती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन में डिपेंड करती है. एंड हम एक दिन में आके 1000 जोड़ी प्रोडक्शन करना है उस टाइप की मशीनरी हमको लेना पड़ती है. एंड नेक्स्ट आगे हमको एक दिन में आके 10,000 पेयर्स प्रोडक्शन करना है उस टाइप की हमको हाइड्रोलिक मशीन लेना पड़ती है. एंड हमको 20,000 की प्रोडक्शन करना है पर डे आके उस टाइप में हमको एक बीम की हाइड्रोलिक बीम मशीनरी इंपोर्टेंट लेना पड़ती है हमको. एज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी रहते हैं. इसके प्राइस हम देखेंगे तो अभी मार्केट में ओलंडा फ्लैग से एक अच्छी हवाई मशीन मिलती है. एंड थोड़े लोग आके जो मल्टी टाइप की मशीनरी ले लेते हैं इसमें रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाती है. जो मल्टी टाइप की मशीनरी ऐसे रहते हैं कि एल एंगल में टी एंगल में ऐसे आ जाते हैं मशीनरी देखने में ऐसा दिखती है. एंड ऐसी मशीनरी मत लेने का. एंड जो मशीनरी लेने वाले हैं एंड ये मशीनरी के बारे में एक बार ध्यान रखने का क्योंकि ये मशीनरी हमको रॉ मटेरियल वेस्ट करने वाली है या सेव करने वाली है. ये टोटली हमको कैसा मशीन लेंगे तो इस बिजनेस में एक ग्रोथ में जाएंगे ये सब हमको जानकारी रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे मशीनरी लेना है एंड इसके मशीनरी के कॉस्टिंग क्या रहते हैं. अभी एक फर्स्ट स्टेप में जो सक्सेस हो के सेकंड स्टेप में आने वाले को और एक छोटा सा मशीन ले सकते हैं. वन एंड हाफ फ्लैग में एक कटिंग मशीन और इसमें ड्रिल मशीन एंड इसके बाद आके स्टर फिटिंग मशीन एंड इसके बाद ग्राइंडिंग मशीन ये सब भी अवेलेबल हो जाते हैं. एंड ये मशीनरी लेने के बाद एंड टाइट टोटली हमको लेना है रॉ मटेरियल. सेकंड स्टेज में हमको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ती है. ये अभी 1.5 लाख रुपीस हमको मशीनरी पे एंड रॉ मटेरियल पे आके हमको 1 लाख की रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है एंड 2.5 लाख हो जाएगी. एंड इसके बाद केमिकल्स पे आको हमको 30,000 की जरूरत पड़ती है. एंड इसके बाद आके हमको पेंट्स की जरूरत पड़ती है, पैकिंग आइटम की जरूरत पड़ती है. टोटली हमको ये बिजनेस सेकंड स्टेप में शुरुआत करना होगा तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से लेकिन 6 लाख ओनली प्रोडक्ट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर एंड पेंटिंग्स एंड केमिकल्स ये सब के ऊपर डिपेंड होके रहती है. एंड कंस्ट्रक्शन आप जिधर लगाना चाहते हो उसकी वो एरिया की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होके रहती है. कंस्ट्रक्शन कैसी आप कर रहे हो एंड उसमें कितना अमाउंट हो रहा है क्या है ये सब भी. एंड सिर्फ मैं आपको बताया था कि इस वीडियो में एंड टोटली प्रोडक्ट की एंड मशीनरी की इस बिजनेस की रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट खरीदना पड़ते हैं एंड उसकी जो मिनिमम 5 लाख से लेकिन मैक्सिमम 6 लाख तक आपको एस्टिमेशन कॉस्ट होती है. एंड इसके बाद हमको सीधा से सीधा और इस बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक अच्छी मार्केट देखना पड़ती है बाहर. एंड जो आपके पास फर्स्ट स्टेप से लेकिन सेकंड स्टेप में आने वाले को एंड जो कटिंग सोल की बिजनेस करके और डायरेक्ट मशीनरी लेने वाले के पास तो मार्केट मिल जाती है. एंड नया बंदा तो डायरेक्ट ये मशीनरी को ले लेगा तो इसके पास कोई मार्केट नहीं रहने की वजह से नुकसान हो जाएगा. मैं ये नए लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एंड डायरेक्टली मशीनरी मत खरीदो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक मार्केट बना लो बाहर. एंड एक अच्छी मार्केट बनाने के बाद आप ये मशीनरी की लेके और ये बिजनेस शुरुआत कर सकते हो. एंड मैं आपको अब ये बताता हूँ कि आप चलेंगे तो अभी मैं आपको कैसी मशीन काम करती है, कैसी मशीन लेना है इस बिजनेस के लिए. एंड ये हवाई के लिए ही बनती है मशीन. एंड ये मशीन आपको चाहिए तो हमारे पास भी अवेलेबल हो जाती है. एंड ओवरऑल इंडिया हम डील करते हैं एंड कटिंग सोल में और मशीनरी में एंड जो अपना स्ट्रैप में एंड टोटली प्रोडक्ट केमिकल्स में. एंड नेक्स्ट आगे हमारे पास जो आपको शीट भी अवेलेबल होती है एंड टोटली इस रिलेटेड इस बिजनेस की रिलेटेड ऑल टू ऑल हमारे पास से आपको अवेलेबल होते हैं. एक अच्छी कम दम में आपको टोटली प्रोडक्ट हमारे पास से हम सप्लाई दे सकते हैं आपको. एंड आप एक बार अभी हम देखेंगे तो अभी हमारे पास देखो बहुत
अच्छे क्वालिटीज आपको नजर आएंगे। एंड ये आके सर आपको 24 की क्वालिटी है एंड ये 24 रुपीस में ये अवेलेबल हो जाएगी आपको जो शीट से काटने के बाद। एंड इसके बाद सर हमको नेक्स्ट क्वालिटी मिल जाती है 26 रुपीस में एक क्वालिटी मिल जाती है। एंड इसके बाद आपको 28 रुपीस में और एक क्वालिटी आपको मिल जाती है एंड 30 रुपीस में और एक क्वालिटी आपको मिल जाती है एंड 32 में और एक क्वालिटी मिल जाती है एंड 34 में और एक क्वालिटी मिल जाती है आपको। एंड नेक्स्ट आगे 36 में और एक क्वालिटी मिल जाती है एंड 38 में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज हमारे पास नजर आ जाते हैं। एंड आप देखेंगे तो 38 में भी अभी ऐसे ये सब क्वालिटी 2-2 रुपए की डिफरेंस में आपको ये जो मिल रही है। एंड ये पूरा फिनिश्ड जो आपको कैसा इसको हम कटिंग करना है या कैसा हमको बनाना है एंड एक जोड़ी बनाने की खर्चा आप एक जोड़ी बनाने की खर्चा देखेंगे तो बहुत कम दम में बन जाती है। एंड एक जोड़ी बनाने की खर्चा देखेंगे तो बहुत कम दम में बन जाती है। अभी आप इसको देख लेंगे तो ये टोटली डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोडक्ट है एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है एंड आप देख लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है ये सब जेंस की है। एंड इसमें आके हमको बहुत कम दम में बना सकते हैं एंड ये आके अप्रोक्सीमेटली एक 45 की रेंज में चप्पल बन जाती है। ये मार्केट में ये चप्पल की जो डिमांड है 65 रुपीज होलसेल मार्केट की डिमांड है ये चप्पल की। एंड इस तरीके से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ये 5 गुंडी की है और हम 3 गुंडी में भी बना सकते हो। आपको मैं बताया हूँ ये 3 गुंडी की चप्पल है एंड ये 3 गुंडी की बताया हूँ। एंड ये ऐसे स्ट्रैप्स भी हमारे पास से आपको अवेलेबल हो जाएंगे रॉ मटेरियल के नीचे। एंड ये स्ट्रैप्स आपको मार्केट से खरीदना होगा तो 16 रुपए में ऐसा मिलते हैं या हाइपर क्वालिटी के हैं। एंड इसमें आके आपको हम 12 रुपए में इसको प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐसे शीट आपको मार्केट से खरीदना होगा तो एंड अप्रोक्सीमेटली आपको एक 20 जोड़ी आने वाली शीट आपको 550-650 रुपए में अवेलेबल होती है। लेकिन हमारे पास से आपको 40 जोड़ी आने वाली शीट मिल जाती है आपको 950 रुपए में 850 रुपए में आपको 40 जोड़ी निकलने वाली शीट मिल जाती है। इसमें कलर्स भी आपकी चॉइस के हिसाब से हम बना के दे देते हैं। एंड नेक्स्ट आके आपको इसमें थिकनेस आके 16 mm की जो थिकनेस इसमें बैठती है एंड ये बहुत काफी अच्छी थिकनेस है एंड इसकी जो डाई है बहुत काफी अच्छी दिन चलने वाली डाई है इसमें। एंड आप देखेंगे तो अभी जो हमारे पास जो स्ट्रैप है एंड ये आपको 10 रुपए में अवेलेबल हो जाते हैं जो ये 3 गुंडी की स्ट्रैप है। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप देख सकते हो एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड ये जेंट्स की है ये भी रॉ मटेरियल आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आके आपको बच्चों के है ये सब ये आप देखेंगे तो ये बच्चों के जो चप्पल है एंड आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो बच्चों की चप्पल भी बहुत काफी अच्छे अट्रैक्टिव डिजाइन से बनाया जाता है। एंड आप बच्चों में देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छी मॉडल आपको नजर में आ जाएगी। अभी आप देख लेंगे तो आप इसमें छोटा बीम एंड मोटू पतलू ऐसे डिजाइन्स में आपको ये बच्चों की जो प्रोडक्ट बनाया जाता है एंड ये बहुत सस्ते क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे। एंड ये हमारे पास से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगी इस टाइप की एंड ये शीट आगे आपको 650 रुपए में ओनली मिल जाएगी। एंड इसमें बच्चों की आपको अप्रोक्सीमेटली 75 पेयर्स आप इसमें निकाल सकते हो बच्चों की ऐसी शीट भी आपको मिल जाएंगे एंड ऊपर और नीचे कलर और बीच में। एंड ये भी 16 mm की शीट आपको मिल रही है इसमें एंड बच्चों के लिए 16 mm में बनाने वाले बहुत कम है बाहर एंड सब वो 14 mm में बनाते हैं। एंड ऐसी अच्छी क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी शीट में बच्चों के बहुत कम भी बनाते हैं। एंड ऐसी भी क्वालिटी आपको एकदम कम दम में चाहिए तो हमारे पास से आपको ऐसी शीट भी अवेलेबल हो जाती है। एंड अभी आप इसमें देख लेंगे तो बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शीट हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। एंड ये भी शीट आपको 650 रुपए में मिल जाती है एंड ये भी जो शीट है ये भी आपको 650 रुपए में मिल जाती है एंड बच्चों की है ये भी। एंड इसमें भी आप देख सकते हो और ये भी बच्चों की है। एंड नेक्स्ट आके आपको दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ एंड ये सब आपको बच्चों के चप्पल है। एंड इसमें भी देखेंगे तो ये भी बच्चों की चप्पल है आपको इसकी डाई भी काफी अच्छी रहती है पीछे इसकी एंड इसकी डाई भी देखेंगे तो काफी अच्छी दिखती है आपको। एंड इधर से आपको अभी मैं और एक भी बताना चाहता हूँ एंड हमारे पास से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगी एंड मशीनरी भी मिल जाएंगे एंड नेक्स्ट आके आपको केमिकल्स भी मिल जाएगी एंड नेक्स्ट आके आपको इस बिजनेस की रिलेटेड डाइस मिल जाएंगे एंड नेक्स्ट आके आपको हमारे पास से और ग्राइंडिंग मशीन ड्रिलिंग मशीन स्ट्रैप फिटिंग मशीन एंड टोटली हम ओवरऑल इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं टोटली प्रोडक्ट को। एंड साथ में मशीनरी किसी को चाहिए नया बिजनेस शुरुआत
करना चाहते हैं ऐसे लोग को, हम ये पूरा आपको दे देंगे। एंड नए कोई और कटिंग सोल लेके करना चाहेंगे तो, और ये इनकी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो, इसमें भी कटिंग सोल की प्रोसेस भी दिए है। नए बंदे कोई होगा तो उसको भी आप फॉलो हो सकते हो। एंड अभी मैं कैसी मैन्युफैक्चरिंग करना है क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। एंड मार्केट में अभी जो शुरुआत करना चाहेंगे ऐसे लोग के लिए ये काफी बढ़िया होगा। एंड ये वीडियो आप देखेंगे तो, एंड इसमें आके कैसा एक चप्पल पूरी तरह से कैसा बनती है और किधर से शुरुआत होती है, कटिंग कैसा होती है, एंड इसके बाद इसमें कैसा ड्रिल होती है, कैसा ग्राइंड होती है, इसके बाद ये चप्पल कैसा पेंट होती है, एंड इसके बाद ये कैसा फिनिशिंग में आके कैसा पैकिंग होती है, एंड टोटली पैक होने के बाद ये कैसा मार्केट में एंड बिक जाती है, इसकी जो प्राइस की है, और ये सब पूरा डिटेल्स मैं आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ। अब ये आप आ जाएंगे तो हमारे साथ, इधर आपको मैं कैसा कटिंग होती है ये प्रोसेस बताता हूँ, एंड ये कटिंग होने वाली मशीन कैसी रहती है इसकी भी मैं आपको उधर वीडियो में बता देता हूँ। आप आ जाइए मेरे साथ। अभी हमारे पास आपको ऐसे शीट अवेलेबल है, एंड आपको ये शीट आके एंड 650 रुपीज से अवेलेबल हो जाती है। बहुत काफी अच्छी लंबी चौड़ी शीट है, अच्छी क्वालिटी भी रहती है इसमें। एंड इसमें लेडीज के निकालेंगे तो आपको 50 पेयर्स आ जाएंगे, एंड जो किड्स के निकालेंगे तो किड्स के भी इसमें आप बना सकते हैं, किड्स के निकालेंगे तो। और इस शीट में आपको अप्रोक्सीमेटली इसको देखेंगे, इस शीट में अप्रोक्सीमेटली आपको 65 पेयर्स किड्स के आ जाएंगे, एंड मेन्स के काटेंगे तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 40 पेयर्स आ जाएंगे आपको। एंड शीट की कॉस्ट है 650 रुपीज में अवेलेबल हो जाती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज में आपको शीट की कॉस्ट बढ़ती जाती है 750 में, लेकिन साइज आके इतना ही रहता है। ये जो शीट की साइज है 72x45 इंचेस में रहती है, जो शीट है 72x45 इंचेस में बहुत बड़ी शीट आती है। इसकी जो लेंथ हो, चौड़ाई हो, चौड़ाई 42 इंचेस रहती है, जो इसकी लंबाई है 72 इंचेस रहती है। एंड ये आपको सॉफ्ट में चाहिए सॉफ्ट में अवेलेबल हो जाती है, हार्ड में चाहिए हार्ड में अवेलेबल हो जाती है, मीडियम हार्ड में चाहिए मीडियम हार्ड में भी अवेलेबल हो जाती है। कलर पूरा आपका चॉइस है। और एक बार हमारे साथ आ जाएंगे तो अभी मैं आपको ये शो करने वाला हूँ कि कैसा ये शीट को काट के एंड कैसा बनाते हैं। आप इधर देख सकते हो कैसा ये कटिंग होती है। अभी आप देखेंगे तो ये हमारी कटिंग मशीन ये है, ओरिजिनल मशीन है ये, एंड आपको ये यू टेप में आ जाती है। एंड अभी बाहर मार्केट में मिलने वाले पूरे आपको एल टेप में रहते हैं, वो मशीनरी पूरा आपको रॉ मटेरियल वेस्ट कर देते हैं। ऐसी मशीन आपको परचेज करता होगा तो हमारे पास से भी आपको अवेलेबल हो जाती है। एंड मशीनरी के लिए सिंगल फेस की करंट इस्तेमाल होती है, एंड इसमें आके पर डे आके हम अप्रोक्सीमेटली और 5000 जोड़ी तक इसमें हम काट सकते हैं पर डे अप्रोक्सीमेटली। बहुत स्पीड चलती है मशीन, ये बहुत स्पीड से कर सकती है इसमें। एंड इसकी जो कैपेसिटी है एंड जो सिंगल फेस की बिजली में चलती है मशीन, एंड मैं अभी इसको ये मशीन को स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कैसा कटिंग प्रोसेस है। एंड अभी आप देखेंगे तो हमको ऐसे डाई की जरूरत पड़ती है। आपको ये डाई है मॉडलिंग की है, एंड ये आपको बाहर मार्केट से किसी से भी मशीन खरीदेंगे तो ऐसे डाई आपको मजबूत के नहीं मिलेंगे, आपको पतले डाई मिलते रहेंगे। एंड पतले डाई बोलने से आपको मैं अभी दिखाता हूँ पतले डाइस भी। एंड ये मॉडलिंग की डाई है, और आप ये देखेंगे तो ये पतली डाई है, एंड ये इसकी लाइफ रहती है 2-3 मंथ्स की, एंड इसकी लाइफ रहती है लाइफ टाइम की। एंड ये दो डाई डिफरेंट है इसमें भी, एंड ऐसे डाई आपको मार्केट से खरीदना होगा तो 400-500 रुपए में मिल जाते हैं। एंड जो ऐसे डाइस खरीदना होगा तो मॉडलिंग के बहुत काफी वजन रहते हैं डाई, एंड इसकी लाइफ भी काफी बढ़िया रहती है। ये डाई आपको खरीदना होगा तो हमारे पास से आपको 1200 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन मार्केट में इसकी जो प्राइस है 1500 रुपए में ये जो मॉडलिंग डाई की रहती है। इसकी जो थिकनेस भी बहुत काफी अच्छी मजबूत रहती है डाई। अभी ऐसे डाई हमको जेंट्स में इस्तेमाल होते हैं कि 6-7-8-9 साइज के डाई इस्तेमाल होते हैं, एंड बच्चों में इस्तेमाल होते हैं। एंड बच्चों में आके 5-6-7-8-9-10-11-12-13-1-2-3 ऐसा आपको ये सब बच्चों की साइज है, इसमें बच्चों की जो डाई है इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो एंड इसमें 5 गुंडी की भी आती है, ऐसा देखेंगे तो ये पंच बोलते हैं इसको, ये जो पंच है 5 गुंडी की है। एंड आपको 3 गुंडी की पंच चाहिए तो 3 गुंडी की भी हमारे पास से अवेलेबल हो जाती है, जो 5 गुंडी की है ये, और आप 3 गुंडी भी आप देख सकते हो। अभी ये है ये जो डाई है ये 3 गुंडी की है, इसमें पंच आती है 3 गुंडी की आती है, ये अलग अलग पंच में जो अपनी पट्टी कैसी हम लगाना चाहते हैं उसी हिसाब से हम ये जो शीट को कटिंग करना है। अभी कटिंग प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसा कटिंग करना है, आप देख सकते हो।
जगह के काटना होता है, इसको आप देखेंगे बहुत फास्ट चलती है। ये आके आपको लेफ्ट की जो पैर काटना होगा तो आपको ऐसा घुमा के काटना है, राइट की पैर काटना होगा तो आपको ऐसे काटना है शीट को, और लेफ्ट राइट और दो भी उसी कलर से कटेंगे आपको। अभी ये शीट आप देखते रहेंगे तो आपको राइट काटना होगा तो इधर से घुमा के काटेंगे तो जब राइट आ जाएगी शीट इधर से घुमाएंगे तो आपको राइट कर जाएगी, इधर से काटेंगे तो आपको राइट पेयर आ जाता है एंड जो पीछे से काटेंगे तो आपको लेफ्ट पेयर आती है। इधर से भी आप देख सकते हो अभी आपको एक ही कटर से एक लेफ्ट एक राइट आपको अवेलेबल हो गया है, और ये एक ही कटर से कटती है, और शीट को हम पीछे घुमा के सामने से काटेंगे तो हमको राइट आ जाती है, पीछे से घुमाएंगे काटेंगे लेफ्ट पेयर आ जाती है हमको। अभी ये पेयर हमको कैसा ड्रिल करना है क्या है ये टोटली मैं आपको ये पेयर के बारे में बताता हूँ। ये आप बच्चों के देखेंगे तो अभी देखो कितना खूबसूरत बन जाती है, बहुत बढ़िया आपको बच्चों के आ जाते हैं इसमें, एंड अब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कलर्स की शीट में आप बच्चों के काट सकते हो, एंड इसमें बहुत मजबूत कट जाती है बच्चों की, जो शेप्स आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया शेप में आ जाती है बच्चों की, और आपको अच्छी क्वालिटी में बच्चों की बनाएंगे तो एक अच्छी मार्केट बन जाती है बाहर में। आप अभी इधर देखेंगे तो ऐसी शीट की जो लंबाई है जो हमारी जो शीट आती है इस शीट की जो लंबाई है और 72 इंचेस में आती है शीट, और जो चौड़ाई है 45 इंचेस में रहती है, और इसमें हम जो जेंट्स के काटेंगे तो आपको 40 पेयर्स आराम से निकल जाते हैं, जो बच्चों के काटेंगे तो ए साइज से हम बच्चों के जो काटेंगे तो 65 से लेकर 75 पेयर्स निकल जाते हैं, एंड हमको एक काफी अच्छी प्रॉफिट इसमें मिल जाती है। इस टाइप में आप शीट लेंगे तो इतनी बड़ी शीट आपको नॉर्थ साउथ साइड में हमारे पास से ही अवेलेबल होते हैं, एंड नॉर्थ साइड में तो आपको 20 जोड़ी की शीट मिलती है, लेकिन इतने बड़े बड़े शीट आपको अवेलेबल नहीं होते, इसके कारण आपको जोड़ी बनाने की खर्चा उसमें बढ़ जाती है, लेकिन अपने पास बहुत कम दम में एक जोड़ी बन जाती है। अब अभी आएंगे तो और दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि एंड कैसा ड्रिल करना है, कैसा स्ट्रफ फिट करना है। अभी आप कटिंग प्रोसेस देखिए जो चप्पल हमको कैसा कट करना है क्या है टोटली आप देखिए है, एंड अभी हम देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेप्स अवेलेबल हो जाते हैं। अभी ये स्ट्रेप देखेंगे डिफरेंट चौड़ी 5 गुंडी की स्ट्रेप अवेलेबल है, इसमें जो कलर्स आप देखेंगे तो जो डिफरेंट कलर्स में आपको स्ट्रेप्स अवेलेबल हो जाते हैं, एंड ऐसे स्ट्रेप्स भी आपको चाहिए तो हमारे पास से आपको अवेलेबल हो जाते हैं, एंड ये स्ट्रेप आपको 16 रुपये में मिलती है मार्केट में, एंड हमारे पास से सिर्फ 12 रुपये में ही ये स्ट्रेप हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड अभी मैं आपको कैसा इसकी जो ड्रिल होती है कैसा स्ट्रेप फिटिंग होती है ये टोटली मैं ये प्रोसेस अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। अभी आ जाइए मेरे साथ, आपको कैसा एक चप्पल पूरा बनती है देख सकते हो, एंड हमारे पास अभी आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इधर प्रोडक्ट आप चलता हुआ देखेंगे तो ये सब कटिंग कैसा उधर हुआ है वैसी कटिंग हुआ चप्पल है पूरा, आप देख सकते हो इसमें खूबसूरत डिजाइन किया जाता है, एंड आप इधर आके देखेंगे तो और कैसी डिजाइन होती है आप इधर देख सकते हो। अभी आप देखेंगे तो उधर कटिंग हो जाने के बाद पैर इधर आ जाती है पैंटिंग प्रोसेस में, और इधर कैसी पैंट होती है क्या है चप्पल पे आप इधर देख सकते हो, एंड एक बार इधर देखेंगे तो एंड ये बोर्ड आके आपको जो है ये डिजाइन की बोर्ड होती है, और ये आके आपको चाहिए तो रेडीमेड भी हम बना के देते हैं आपको, एंड इसमें देखेंगे तो आप टोटली ये बोर्ड को देखेंगे तो एंड काफ़ी आपको कैसे डिजाइन चाहिए ऐसे डिजाइन से ये बोर्ड हम आपको बना के देते हैं। ये बोर्ड की जो प्राइस आती है सर एंड आपको 1000 रुपीज में, और डिजाइन एंड टोटल इंक्लूडिंग रेडीमेड बोर्ड आपको हम दे देते हैं, इसमें एक दो डिजाइन काफ़ी दो डिजाइन इसमें आ जाएंगे, एंड एक बोर्ड में दो डिजाइन भी आपको चाहिए तो हम डाल के दे देते हैं,
एंड अभी जो पैंट इसमें इस्तेमाल होती है इम्पोर्टेड पैंट है ये, एंड काफी अच्छी पैंट इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो चप्पल की लाइफ के साथ साथ पैंट की लाइफ भी हमको बचाना चाहिए, इसीलिए कि पैंट की जो प्रोसेस रहता है आपको ये एक एक जोड़ी के ऊपर पैंट करने के लिए कम से कम 2 रुपए की खर्चा आ जाती है, 2 रुपए से लेकिन 3 रुपए की खर्चा आ जाती है। इसमें ये जो केमिकल है, ये केमिकल है, ये नाइट्रो रिड्यूसर बोलते हैं, और ये नाइट्रो केमिकल और ये पेंट करने का समय आपको इस्तेमाल होती है इसमें, और ये प्रोसेस में पेंटिंग प्रोसेस में नाइट्रो केमिकल इस्तेमाल करके हम और जो पेंटिंग को सुखाते भी एंड पेंट करते जाते हैं। एंड आपको फ्रेम्स भी हमारे पास से अवेलेबल है, पेंट्स भी आपको पेंटिंग भी चाहिए तो हमारे पास से मिल जाएंगे फ्रेम्स, जैसे जैसे नए नए डिजाइन चाहिए और अपडेट करते रहते हैं हम हर दिन आपको। अभी मैं ये बताता हूँ कि अब पेंटिंग हो जाने के बाद चप्पल कैसा आपको ड्रिल करना है। अभी ये जो पैर है इधर, ये सब पेंटिंग खत्म हुए हुए है, और इसमें से आप देखेंगे तो ड्रिलिंग कैसा करना है। आप अभी इसको ये मशीन है, ड्रिल मशीन है ये, और आपको ऐसी मशीन लेना चाहेंगे तो हमारे पास से अवेलेबल हो जाती है। जो इसकी प्राइस है सर, आपको मार्केट में देखेंगे तो 10,000 रुपये में भी हमारे पास से अवेलेबल हो जाती है, 6,000 में भी आपको चाहिए ये मशीनरी हमारे पास से अवेलेबल हो जाती है। अभी ड्रिलिंग प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ कैसा ड्रिल करना है, एंड आप एक बार देख लीजिए कैसा ड्रिल होती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया से हम इसमें आराम से बहुत आसानी से ड्रिल कर सकते हैं, देखेंगे तो बहुत आसानी से ड्रिल हो गई है। तो बहुत आसानी से ऐसा ड्रिल हो जाती है चप्पल में, एंड ये तो सिंगल फेस में मशीन चलती है, सिंगल फेस में ही चल जाती है। एंड ये मशीन की प्राइस मैं आपको पिछली बार ही बताया हूँ, एंड ये 10,000 रुपये में आपको 6,000 से शुरुआत होती है, आपको 7,000, 8,000, 10,000 में भी चाहिए अवेलेबल हो जाती है। जो 12,000 में लेंगे, एंड इसकी जो कैपेसिटी भी बढ़ जाती है 12,000 में लेंगे तो अच्छी क्वालिटी की मशीन भी मिल जाती है आपको। एंड मैं दूसरी प्रोसेस आपको बताता हूँ, अभी ये जो चप्पल है कैसी ड्रिल करना है आप देखिए। अभी मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ, ये मशीन को बोलते हैं ग्राइंडिंग है, ये ग्राइंडिंग मशीन में आपको ग्राइंड करना पड़ता है, एंड इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए ग्राइंडिंग करने के लिए, एंड विदाउट एक्सपीरियंस से ट्राई करेंगे तो ये पूरा चप्पल खराब कर देती है। एंड इसमें हमको पहला ग्राइंडिंग करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी एक्सपीरियंस आने के बाद हम इसमें ग्राइंड करना है। अभी आप देख सकते हो इधर ग्राइंडिंग कैसा ग्राइंड होती है, चप्पल कितना फिनिशिंग में आ जाती है। देखेंगे तो अभी ये चप्पल में आप देखेंगे तो एक बार फिनिशिंग ऐसा करते हैं ग्राइंडिंग से, ऐसा फिनिशिंग खत्म होने के बाद आपको इसमें ड्रिल किया जाता है, अपना ड्रिल हो जाने के बाद ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग हो जाने के बाद स्ट्रेप फिटिंग किया जाता है इसमें। अभी एक बार हम ऐसा फिनिशिंग अच्छी फिनिशिंग में मार्केट को प्रोवाइड करेंगे तो एंड जो भी कस्टमर है लेने वाले हमसे बढ़ते जाएंगे। एंड फर्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि अच्छी फिनिशिंग की जो चप्पल है कैसा फिनिशिंग करना है, मैं बता दिया आपको। ये फिनिशिंग हुआ चप्पल को, आप कैसा इधर से इसमें स्ट्रक फिट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहला आप इधर देख सकते हो बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन से आपको इधर दिख रही है, ये पुमा है, काफी ब्रांड है इसमें, और ये इधर देखेंगे तो और अपना जो लेडीज की डिजाइन है स्टारलाइट के नाम से चल रही है, ये दूसरे की ब्रांड है हमारे पास से, ऐसा हम पूरा प्रिंटिंग करके इधर से हम कटिंग सोल देते हैं। और आप अभी देखेंगे तो इधर पुमा है, उधर देखेंगे तो स्पीड व्हील दिख रही है, जो वो भी काफी अच्छी चलने वाली डिजाइन है। ये एडिडास है, एडिडास में बहुत टाइप के एडिडास हम डिजाइन चला सकते हैं। नाइक है, नाइक की डिजाइन है, नाइक में आके इस टाइप में भी नाइक हम चला सकते हैं, और एडिडास ये भी है। एंड अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये सब आके ऑर्डर बेसिस पे बनाया जाता है हमारे पास। एंड आपको अभी मैं कैसा ये जो प्रिंटिंग ग्राइंडिंग ड्रिलिंग हुआ चप्पल को फिटिंग कैसा होती है मैं इधर आपको बताता हूँ। एंड सर अभी आप इधर देखेंगे तो एक बार ये फिटिंग, इसको फिटिंग करने के लिए टेबल चाहिए, फिटिंग टेबल होती है,
ये फिटिंग टेबल में आके हमको मार्केट में अभी हमारे पास से आपको चाहिए तो ये मिल जाती है। इसकी जो प्राइस है 7000 से, लेकिन आपको अवेलेबल होती है। एक अच्छी स्टैंडर्ड मशीनरी चाहिए तो आपको 10-12000 में ये मशीनरी आपको मिल जाती है। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड में आ जाती है 10-12000 में। अभी आपको मैं इधर दिखाता हूँ कि ड्रिलिंग अपना जो ड्रिल हुआ हुआ ग्राइंड हुआ हुआ और कैसा आपको इधर अपना जो पट्टी चढ़ाया जाता है आप इधर देख सकते हो। एक बार आप अभी ये इसको बोलते हैं सिलिकॉन है, और ये सिलिकॉन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सुई पे अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो पट्टी पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये सब अप्लाई करने से हमको पहला ये जो जोड़ी है जो फिट करने वाली है ये जोड़ी फटने नहीं लगेगी और बहुत स्मूथ से सिलिकॉन की वजह से बहुत स्मूथ से ये जोड़ी में ये पट्टी आराम से निकल जाती है एंड कोई जोड़ी को फाड़ेगी नहीं। और इसी प्रकार से आपको टोटली एक पैर एंड आपको टोटली बन जाती है, अपना फिटिंग तैयार हो गया। अभी आप देखेंगे तो एंड फिट हुआ चप्पल अभी अपने हाथ में है। अभी आप देखेंगे तो हाँ, अभी आप देखेंगे तो और ये सब देखो खूबसूरत से एक जोड़ी बन गई है। अभी इसको बनाने की खर्चा सर हमको आ जाती है 40-45 रुपए के अंदर। एक 5 गुंडी की जो चप्पल है हम बना लिया। अभी इसको हम शाइनिंग देना है, एक ऐसा शाइन करते हैं इसको। अभी ये तो चप्पल तो हम बना लिया, इसको शाइनिंग देने के लिए हम सिलिकॉन करके एक शाइनिंग ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। एंड ये सिलिकॉन हम इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि एंड अभी आप इधर देख सकते हो जो चप्पल है एंड ये सब चप्पल में आपको जो शाइनिंग ऑयल इस्तेमाल होती है इसको ही सिलिकॉन किया जाता है। अभी एक चप्पल को ऐसा शाइन किया जाता है, इस ऑयल को हम छोटा फोम लेके इसमें ये ऑयल अप्लाई करके और सीधा हम चप्पल पे अप्लाई करेंगे तो एकदम नया चमक चप्पल में से निकलती है। एंड ये जो केमिकल है ये चप्पल की जो लाइफ को बढ़ा देती है एंड काफी अच्छा नया चप्पल बना देती है इसको। एंड इसके बाद ये रेडी हो गई है अभी पैकिंग के लिए एंड टोटली पैकिंग के लिए रेडी हो गई है। एंड ये मशीन की जो स्पेयर पार्ट है इसको सुम्मी बोलते हैं। ये जो सुम्मी है हमारे पास से आपको अलग से भी चाहिए सुम्मी मिल जाती है जब आपके पास डैमेज भी हो जाएगी तो, और सुम्मी एक आप खरीदना चाहेंगे तो ये भी हमारे पास से आपको अवेलेबल हो जाती है। आप अभी कैसा इसकी जो पैकिंग करना है, कैसा जो इसकी जो चप्पल है, अभी ये सब इधर बन गए है, इसमें जो पैकिंग के तरीके है सब मैं आपको और अभी दिखाता हूँ। अब आ जाइए इधर और कैसा पैकिंग करना है मैं आपको दिखाता हूँ, पैकिंग करने की तरीके क्या है। अभी तो हमको एक चप्पल इधर से इसमें सिलिकॉन अप्लाई होगी, अभी नेक्स्ट प्रोसेस है और इसमें और पैकिंग करने की। अभी पैकिंग की तरीके दो है, एक है पन्नी की पैकिंग है, इसको बोलते हैं पन्नी की पैकिंग। और ये जो पन्नी की पैकिंग में ऐसा किया जाता है और इस पैकिंग में बस आपको बहुत कम खर्चा आ जाती है, इसमें 50 पैसे की खर्चा। अभी जोड़ी बनाने की जो हमको दम है 45 रुपए में बन गई है, ये 45 रुपए में बनाया हुआ जोड़ी को और ये पैकिंग की खर्चे से मिला के इंक्लूडिंग 45 में बन गई है जोड़ी। और ये 45 की जोड़ी है, मार्केट में चाहिए तो आप 50 में भी बेच सकते हो, 55 में भी बेच सकते हो और 60-65 रुपए में भी बेच सकते हो। काफ़ी अच्छी आपकी मार्केट के ऊपर डिपेंड होकर रहती है, कैसी मार्केट आपको चल रही है उस मार्केट में आप डिपेंड करके आप इसको बेच सकते हो। और नेक्स्ट पैकिंग है ये बॉक्स पैकिंग है और ये अब आप देखेंगे तो बॉक्स पैकिंग एंड ये भी सेम ऐसा ही पैकिंग किया जाता है। अभी देखो आप ऐसा देख सकते हो चप्पल दो भी एक साइड में लगा के और जो ब्रांड की चप्पल हम बनाना चाहते हैं उसी ब्रांड की जो बॉक्स हमको बनाना पड़ती है और इस ब्रांड की चप्पल इस बॉक्स में डाल के पैक हो जाती है। अभी जो पैक होने के बाद ये ब्रांड की चप्पल है और ये बॉक्स में पैकिंग में और आप बाहर मार्केट को दे सकते हो और 70-72 रुपीज की रेंज में इसको दे सकते हो। एंड ये लूज की है, इसको चाहिए तो आप जो बनाने की खर्चा है 45 रुपीज एंड इसको आप मार्केट में दे सकते हो एंड 55 रुपीज में या 60-65 रुपीज में दे सकते हो, आपको अच्छी मार्जिन इसमें मिल जाती है। इसको चाहिए 70-75 रेंज में इसको बेच सकते हो आप। देखेंगे तो ये बिजनेस शुरुआत करने के लिए हमको एक 2-3 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है बिजनेस एंड अप्रोक्सीमेटली हमको 3 लाख से लेकिन 5 लाख रुपए तक भी लग जाती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होती है कैसी मशीनरी ले रहे क्या है। एंड नेक्स्ट आगे हमको पर डे प्रोडक्शन इसमें हो जाती है कि एंड 2000 से लेकिन 5000 जोड़ी की प्रोडक्शन होती है।
एक पेयर की जो हम देख लेंगे तो हमको बनाने की खर्चा 35 रुपए से 45, 50, 55 रुपए तक बन जाती है अच्छी क्वालिटी। एंड ये पेयर पे हमको मार्जिन मिल जाएगी एंड आपको इतना मार्जिन मिलेगी कि मार्केट में अभी मैं आपको बताया हूँ एंड 45 में आप जो बनाया हुआ चप्पल 50% मार्जिन में आप मार्केट में बेच सकते हो 65 रुपीज में एंड आपको एक अच्छी मार्जिन इसमें मिल जाती है। एंड इस बिजनेस कोई भी शुरुआत करना होगा तो इनको हमारे पास से टोटली प्रोडक्ट से लेकिन मटेरियल से लेकिन टोटली अवेलेबल हो जाते हैं। अभी हमको इधर से जो भी नया पर्सन आया उनसे हमको जो भी एड्रेस मिल गई इस एड्रेस पे हमारे पास तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सुविधा अवेलेबल है इधर VRL एंड नवता एंड TCA ट्रांसपोर्ट एंड मोर देन ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल इन माय प्लेस एंड इधर से ओवरऑल इंडिया हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड किसी को जो भी क्वालिटी चाहिए जो भी प्रोडक्ट एंड जैसी क्वालिटी लो क्वालिटी से लेकिन हाई क्वालिटी तक हम मेंटेनेंस करते हैं एंड जो भी कस्टमर हमसे परचेज करता है उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा इधर से लेके जाके एंड उनको उनके ट्रांसपोर्ट की सुविधा से उनका जो एड्रेस पे पहुंचाने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं एंड उनको उधर माल पहुंचने तक टोटली कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है एंड उनको कोई भी माल डैमेज में ऐसा मिल गया इसकी रिप्लेसमेंट भी करती है एंड टोटली एक नया बिजनेस करने वाले के लिए हम एक बेस्ट प्लान दे देंगे इसके बारे में अच्छी एक्सपीरियंस दे देंगे एंड टोटली उनको कैसा मार्केटिंग करना है क्या है बाहर इसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे उनसे। अभी एक और एक डाउट सबको आती रहती है और इसमें क्या क्या परमिशन लेना है क्या है और मैं कहता हूँ कि एक लो इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करने वाले की जो टर्नओवर रहती है बहुत कम रहती है एंड ऐसे लोग के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं रहती एंड अप्रोक्सीमेटली इनको परमिशन लेना होगा तो सिर्फ एक लेबर डिपार्टमेंट से एक लेबर सर्टिफिकेट बना के रख सकते हैं क्योंकि इनके पास लेबर काम करते होंगे कोई एक दो और इसकी वजह से एक लेबर सर्टिफिकेट लेंगे तो इनको बहुत काफ़ी है ये बनाने के लिए 500-600 रुपये में लेबर सर्टिफिकेट बन जाती है एंड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो एंड नेक्स्ट आगे और बड़े बड़े अपना जो GST है एंड नेक्स्ट आगे कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट है एंड नेक्स्ट आगे ISO ब्रांड सर्टिफिकेट है ऐसे सब लेना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बिजनेस बहुत अच्छा से इम्प्रूव होना चाहिए। जब बिजनेस इम्प्रूव होने के बाद आपको एंड ये सर्टिफिकेट सबसे जरूरत पड़ती है कि एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो GST एंड आपकी टर्नओवर बढ़ गई एक महीने में आपकी एक 22 लाख से लेकिन 5 लाख की टर्नओवर कर रहे हैं उसी समय में आपको GST की जरूरत पड़ती है एंड आपकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड करने के लिए ISO की जरूरत पड़ती है एंड नेक्स्ट आके आपको ये जो लेबर आपके पास है एक 10-15 लेबर काम करते होंगे तो लेबर की भी जरूरत पड़ती है एंड आपकी जो पोल्यूशन की रबर आप जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से जो पोल्यूशन की सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ती है लेकिन शुरुआत में तो ये सब नहीं चाहिए एंड आपकी बिजनेस आप ग्रो में लेके जाएंगे तो इसके बाद आपको इनसे जरूरत पड़ेगी एंड उसी समय उसकी भी सुविधा मतलब जो जानकारी चाहिए तो हमारे पास से मिल जाती है एंड कैसे कैसे सर्टिफिकेट किधर से बनाना है ये सब भी हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे एंड जो कस्टमर हमसे शुरुआत करेगा बिजनेस उनको ग्रो नेक्स्ट में लेके जाने के लिए एक एक बिजनेस ग्रोथ में उनको हम अच्छी एक्सपीरियंस देके अच्छी अपना जो इधर साइड में जितने भी क्वालिटीज दे रहे हैं अच्छी क्वालिटी देंगे उनको मार्केट में एक अच्छी मुनाफा कमाने के लिए हमारे तरफ से हम पूरा सपोर्ट दे देते हैं। Take few seconds to subscribe our channel and click the bell icon button so you will get all notification of our latest update. 'Cause you've been waiting on the next thing.